हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दैट गर्ल। तो बहुत 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 थैंक यू जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बिकॉज जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की वीडियो होने वाली है वर्सेस वाली। वर्सेस मतलब कि हम कंपैरिजन करेंगे दो ब्रांड्स के बीच में, मॉइस्चराइजिंग ब्रांड के बीच। कौन से दो ब्रांड है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक है हमारे पास सेटाफिल और दूसरा है सेरावी। आई नो आप लोगों को थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, बट डोंट वरी मैं यहाँ पर डाल दूंगी कहीं पे इन दोनों के नाम। तो हम इन दोनों ब्रांड्स को कंपेयर करने वाले हैं, इन दोनों ब्रांड की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम का जो भी काम है हमारी स्किन पे मैं उस बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, तो अब हम वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा, और यस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो टाइम से मिलती रहे। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट सेटाफिल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो ब्रांड है वो बेसिकली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। ऑब्वियसली इसके कई प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी ऑल स्किन टाइप्स के अंडर भी आते हैं, बट बेसिकली ये जिस स्किन टाइप के लिए काम करता है वो है सेंसिटिव स्किन वाले, जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, या रेडनेस, जो भी एलर्जी वाली स्किन होती है, उन लोगों के लिए सेटाफिल इज वर्किंग। और मैं ये कहूँगी कि यस, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। टॉकिंग अबाउट माई स्किन टाइप, तो थोड़ी कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है, और इसे अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ फील नहीं होता कि आपकी स्किन को और ऑयली बना दे, तो इट इज सूटेबल फॉर ऑयली स्किन एज वेल। और अगर आई थिंक अगर ये ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है तो ये ड्राई स्किन के लिए भी होगा, बट मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ कि ये किस स्किन टाइप के लिए यूज होता है वो, या फिर स्किन टाइप के लिए किस स्किन टाइप के लिए काम करता है, तो वो है सेंसिटिव स्किन। और इन दोनों को अगर मैं साथ में लेके चलूँ तो मैं ये कहूँगी कि सेरावी से पहले जो ब्रांड आया था वो था सेटाफिल, तो ये बहुत ही काफी टाइम पहले से चलता आ रहा है। सेटाफिल ब्रांड का सबसे बेसिक काम जो होता है वो होता है आपके पीएच लेवल को मेंटेन करना, बैलेंस करना। जो भी आपके स्किन का पीएच लेवल होगा उसे ये बैलेंस करता है, ऊपर नीचे हो तो ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा, स्किन के पीएच लेवल को। आई हैव नोटेड कि मोस्टली तो नहीं बट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेटाफिल ब्रांड हैव ग्लिसरीन इन देम, तो उसमें तो कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे प्रोडक्ट्स में, बट कुछ प्रोडक्ट्स में ग्लिसरीन होता है, तो वो आप लोग जरूर देख लेना कि आपकी स्किन के लिए ग्लिसरीन वैसे तो सबके लिए जरूरी होता है, बट ऑयली स्किन वालों के लिए इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो आप जज कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि आपको वो वाले प्रोडक्ट्स सेटाफिल ब्रांड के लेने हैं कि नहीं जिनमें ग्लिसरीन होता है। टॉकिंग अबाउट कि सेटाफिल कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड में ऐड करते हैं, तो वो बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने में, तो मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। इनमें विटामिन कॉम्प्लेक्स और प्लांट ऑयल होते हैं जो कि आपके स्किन को रिफ्रेश फील करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कि मेरे स्किन पे कैसा रहा आफ्टर यूज, तो इट वॉज परफेक्ट, बिकॉज इससे हमारी स्किन बंद नहीं होती है, इट्स लाइक लॉकअप नहीं करता है हमारी स्किन को, तो इट्स अ गुड पॉइंट। वेल, अगर मैं सेटाफिल ब्रांड के कुछ और प्रोडक्ट्स को काउंट करूं तो कुछ प्रोडक्ट्स में हमें फ्रेग्रेंस भी मिलता है जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि वो अपने किसी भी फेस प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस ले, तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि आप जब भी किसी सेटाफिल ब्रांड का प्रोडक्ट लो तो आप एक बार चेक कर सकते हो वो फ्रेग्रेंस फ्री है या नहीं है। अब मोटा मोटा मैं अगर आपको कहूँ तो सेटाफिल ब्रांड जो होता है वो अपने प्रोडक्ट में बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, और
कंक्लूजन की तरफ मैं आऊं तो फिर सिटाफिल ब्रांड सेंसिटिव स्किन के लिए वेरी सूटेबल एंड मॉइस्चर, यस मॉइस्चराइज करता है, ऑल डे मॉइस्चराइज रहती है आपकी स्किन. एंड थर्ड, बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करता है. तो दिस वॉज द रिव्यू फॉर सिटाफिल ब्रांड. मूविंग फर्दर टू सेरावे, इट इज माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर जो मैं अभी प्रेजेंटली यूज कर रही हूँ. आई थिंक मुझे शुरू शुरू में ये कहना नहीं चाहिए, बट सिटाफिल से ज्यादा आई एम लविंग सेरावे. अब मैं इसे क्यों पसंद कर रही हूँ मैं आपको जरूर बताती हूँ. सबसे पहले, जैसे सेटाफिल जो है वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज्यादा काम करता है, वैसे ही सेरावे जो होता है, सेरावे जो ब्रांड है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही सूटेबल है. और मैंने जितना भी सुना और देखा है, काफी डॉक्टर्स हैं जो कि सेरावे को रिकमेंड करते हैं. और वो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज इस ब्रांड में या इस ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें तीन ऐसे एसेंशियल लिपिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी इसे रेकमेंड करते हैं. अब मुझे उन इंग्रेडिएंट्स के नाम तो नहीं पता, बट अगर मैं उन चीज़ों के नाम भी लूँ तो बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगा अगेन, और आप लोग सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो वो मैं स्किप कर देती हूँ. वेल, जिन तीन इंग्रेडिएंट्स, तीन लिपिड्स की मैं बात कर रही हूँ, उनका काम क्या होता है? उनका बेसिकली यही काम होता है कि वो आपकी स्किन को लॉक कर देते हैं. अब लॉक मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कर ही देते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो आपकी स्किन को बिल्कुल ही बंद फील कराते हैं या जो आपके पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक फील कराते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लेयर लगा देते हैं जिसकी वजह से जो भी मॉइस्चर ये हमारी स्किन को पहुंचाता है वो अच्छे से हमारी स्किन पे रहता है. इनफैक्ट उस लॉकअप की वजह से जितने भी पॉलिटेंस है वो हमारी स्किन के अंदर जाने से बच सकते हैं, मतलब हमारी स्किन के अंदर नहीं जाते हैं. तो इट इज अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर दिस ब्रांड. अब मैं एक बहुत ही साइंटिफिक नाम लेने वाली हूँ और उसका काम क्या है इन प्रोडक्ट्स में वो भी बता देती हूँ. तो सेरावे जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में पेटेंटेड मल्टी वेस्कुलर एस्यूमुलेशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो थ्रू आउट द डे आपके स्किन पे रहता है. और मतलब जो भी क्रीम जो आपके मुंह पे रहती है, जो भी क्रीम आप जब लगाते हो, तो उससे थ्रू आउट द डे आपकी स्किन, आपकी क्रीम से वो मॉइस्चर निकलता रहता है. तो दिस इज सच एन अमेजिंग पॉइंट, बिकॉज किसी भी ड्राई स्किन वाले इंसान के लिए तो इट इज लाइक वरदान कि आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहे पूरा दिन. तो जो भी मैं नाम ले रही हूँ, मल्टी वेस्कुलर एम्यूलेशन, ये वो काम करता है. और सेरावे अपने मोस्टली हर प्रोडक्ट्स में इसे ऐड करता है. एंड यस, दिस इज पेटेंटेड, तो कोई भी अदर ब्रांड इसे यूज नहीं करता है. बाकी अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो सेरावे के हर प्रोडक्ट जो है वो फ्रेग्रेंस फ्री है, बट इन सेटाफिल यू विल गेट सम प्रोडक्ट्स जिनमें फ्रेग्रेंस आपको मिल सकती है, बट सेरावे इज फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस, तो दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट. तो ये था दोनों ही ब्रांड का, जितना भी मुझे लगता है कि आप लोगों को कंपैरिजन चाहिए कि कौन सा बेटर, कौन सा किस चीज के लिए बेटर है. तो आई थिंक मैंने वो काम किया है, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा कि आप लोगों की स्किन के लिए क्या सूटेबल है. बट यस, मैं ये कहूँगी कि दोनों ने ही अपना अच्छा अच्छा काम किया है. बट अगर मैं ये कहूँ कि कौन सा स्लाइटली ऊपर नीचे है, तो आई वुड से कि सेरावे इज स्लाइटली अपर देन सेटाफिल, बट सेटाफिल इज ऑल्सो नॉट बैड. तो ये था आज का कंपैरिजन जो हमने किया सेटाफिल और सेरावे के बीच में. एंड ओके ओके ओके, मैं आप लोगों को प्राइस बताना भूल गई. दिस वाज अराउंड, मैं आई थिंक पिछली वीडियो में भी भूल गई थी और अब भी भूल गई हूँ, लेकिन मैं इसका प्राइस डाल दूंगी. टॉकिंग अबाउट सेरावे मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये है 56 ml आपको मिल जाएगी, इस पे प्राइस नहीं है. तो मैं दोनों की ही प्राइस डाल दूंगी वीडियो में, डोंट वरी. तो आप लोग प्राइस का भी कंपैरिजन कर लेना. बाकी मोटा मोटा मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों कौन सा ले सकते हो या कौन सा मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो वो है सेरावे. बट सेटाफिल इज ऑल्सो नॉट बैड, मैं सेटाफिल को भी यूज कर लेती हूँ जब मेरा मूड होता है. तो दैट्स इट गाइज, आज की जो वीडियो है कंपैरिजन की वो यहीं पे खत्म होती है. एंड आई होप मैंने आपका जो भी कंफ्यूजन होगा दोनों ही ब्रांड्स को लेके वो थोड़ा सा क्लियर किया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि आपकी स्किन को कौन सा बेटर सूट करेगा. तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड यस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपनी जो मैं नई नई वीडियोज लेकर आऊँ तो आप लोगों को पता चल जाए. तब तक के लिए
मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और अपना प्यार बरसाते रहिए बिकॉज आई नीड इट. तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू.